बोरियां बेचकर भी कर सकते हैं आप लाखों में इनकम, जाने कैसे शुरू करिए बिजनेस। महिलाओं का 16 श्रृंगार चूड़ियों के बगैर अधूरा रहता है। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं के आसपास चूड़ियों का जितना कलेक्शन होगा उतना ही कम लगेगा। वो चाहती हैं कि मार्केट में उपलब्ध हर वैरायटी की चूड़ियां उनके पास हों। चूड़ियों का उपयोग हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अविवाहित लड़कियां भी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। पार्टी हो या किसी प्रोग्राम्स में लड़कियां आकर्षक चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। जिस प्रकार से भारतीय घरों में चूड़ी का महत्व है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि इस व्यवसाय में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप चूड़ियों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दरअसल जिस तरह से चूड़ियों की मांग बढ़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में कभी भी इनकी मांग कम नहीं होगी। यदि आप अपनी दुकान में हर वैरायटी की चूड़ियां रखते हैं तो ये बिजनेस आपको एक अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकता है। आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। चूड़ियों की वैरायटी। मार्केट में कई तरह की चूड़ियां होती हैं और मार्केट की डिमांड के अनुसार ही आपको अपनी दुकान की चूड़ियां रखनी होंगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में चूड़ियों के डिजाइन बदलते रहते हैं। ऐसे में आपको मार्केट पर ध्यान देना होगा और हर तरह की चूड़ियां अपनी दुकान में रखनी होगी। बाजार में धातु, कांच, प्लास्टिक आदि प्रकार की चूड़ियां होती हैं। खास बात यह है कि सीजन और त्योहार के अनुसार चूड़ियों के प्रकार भी बदलते रहते हैं। जितनी आकर्षक आपकी चूड़ियां होंगी मार्केट में उतनी ही इसकी बिक्री होगी। इसलिए जितना हो सके अपनी दुकान में सुंदर से सुंदर चूड़ियां रखें। कितना करना होगा निवेश। चूड़ियों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अधिक पैसे की जरूरत नहीं होगी। यदि आप छोटे स्तर पर चूड़ियों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 हजार रुपए का निवेश करना होगा। इसके अलावा यदि आप चूड़ियों की बड़ी दुकान या फिर बड़ा स्टोर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 लाख से अधिक खर्चा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने बजट के हिसाब से बिजनेस की सीमा तय करें। सही जगह का चुनाव। चूड़ियों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ऐसी जगह का चुनाव करना होगा जहां आपकी जान पहचान वाले अधिक लोग हों। चूड़ियों की दुकान के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होगी। आप चाहें तो 10x10 वर्ग फीट की जगह में दुकान ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के जरिए भी चूड़ियों की बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको चूड़ियों के अच्छे कलेक्शन को अपने सोशल मीडिया पेज पर डालना होगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आकर्षक होना चाहिए दुकान का सेटअप। बता दें चूड़ियों के साथ साथ आपकी दुकान का सेटअप भी आकर्षक होना चाहिए। आप अपनी दुकान को पारंपरिक और फैंसी तरीके से सजा सकते हैं। इसके अलावा आपकी दुकान में ग्राहक की डिमांड के अनुसार चूड़ियां होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि आप उनकी हर डिमांड को पूरा कर पाएं। दुकान में चूड़ियों के रंगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। रंगों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, इसमें आपको चूड़ियों का सही सेट बनाने में परेशानी होगी और बिक्री भी ठीक से नहीं हो पाएगी। आप अपनी दुकान में ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखें। आप ग्राहकों के लिए कुर्सी और पानी का इंतजाम तो कर ही सकते हैं। ऐसा करने से ग्राहक पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है। लाइसेंस। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ जरूरी काम करने आवश्यक हैं, जैसे कि किसी भी तरह की दुकान खोलने से पहले आपको लाइसेंस लेना होगा। आपको अपनी दुकान का नाम और लोगों को रजिस्टर करवाना होगा, तभी जाकर आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चूड़ियों के बिजनेस की मार्केटिंग। चूड़ियों की मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप चूड़ियों का अच्छा कलेक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। बता दें मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन ही होता है। इसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जोड़ पाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान देना होगा कि आपकी दुकान में आया हुआ ग्राहक खाली हाथ ना जाए। आपकी दुकान में नए पुराने हर तरीके की चूड़ियों का कलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह की चूड़ियों की डिमांड ग्राहक करता है उसे उपलब्ध करवाना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपकी दुकान में चूड़ियों का कलेक्शन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि एक बार ग्राहक दुकान में आ जाए तो वो दूसरी दुकान पर जाने की बात ना करे और आपकी ही दुकान से उसे अपनी पसंद की सारी चीजें मिल जाए। इसके अलावा आप ग्राहक से अच्छा व्यवहार बनाए, क्योंकि आपका अच्छा व्यवहार ही ग्राहक को दूसरी बार आने पर मजबूर करेगा। सही वितरक से चूड़ियां मंगवाएं। आपके पास एक सही वितरक होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि वो समय समय पर चूड़ियों की डिमांड पूरी कर सके। साथ ही समय के अनुसार चूड़ियों के नए नए कलेक्शन आपके पास पहुंचा सके। यदि आपके यहाँ चूड़ियां खुद बनती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं बाहर से चूड़ियां थोक में मंगवाते हैं तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कि चूड़ियां मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।